हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूं नेहा भटनागर और आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। पिछले वीडियो में हमने किया था एडिशन ऑन नंबर लाइन, तो ये हम बिल्कुल बेसिक में जब सबसे पहले बच्चों को एडिशन स्टार्ट करते हैं तब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से सिखाते हैं, तो हम ये चीज़ करते हैं। स्पेशली LKG या फिर नर्सरी के बच्चे भी कर लेते हैं अगर उनको 10 और 20 तक काउंटिंग आती है, एटलीस्ट 20 तक काउंटिंग आती है तो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो एडिशन सिखाने का और सब्ट्रैक्शन सिखाने का ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि किस तरह से पिक्चर्स के बाद जब वो डायरेक्ट नंबर पे आते हैं तो वो कैसे सीखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाएंगे तो उससे पहले उनको मेक श्योर कि बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग अच्छे से आती हो और बिग नंबर और स्मॉल नंबर अच्छे से पता हो कि विच इज़ बिग नंबर और विच इज़ स्मॉल नंबर, ठीक है। तो जब हम एडिशन करेंगे तो हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको फॉरवर्ड काउंट करना है, बिग नंबर से आगे नेक्स्ट नंबर तक फॉरवर्ड काउंट करना है। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से सिखाएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि आप कोई प्रॉप ले सकते हो, बच्चे का कोई फेवरेट टॉय ले सकते हो या एक छोटी सी स्टोरी बिल्ड कर सकते हो कि किस तरह से हमने बच्चों को सिखाना है। तो हमने सब्ट्रैक्शन सिखानी है, सपोज हम बच्चे का फेवरेट टॉय ले रहे हैं या हम बनी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप बनी ने जंप करना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेगा तो बनी बैकवर्ड जंप करेगा, सब्ट्रैक्शन मीन्स कम हो जाना, ठीक है। आप बच्चों को समझाओ कि एडिशन का मतलब होता है जब टू चीज़ों को ज्वाइन करते हैं या दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें बड़ा नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे मीन्स हमें छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है, ऑलवेज। तो वो गलती भी नहीं करेंगे। अभी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास नंबर है 5 - 3, ठीक है। तो और ये चीज़ बताएंगे कि हमेशा बिग नंबर से में से ही माइनस कर सकते हैं, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर तो नहीं कर सकते। उसके लिए हम एग्जांपल भी देंगे कि सपोज़ आपके पास 3 कैंडीज़ हैं, है ना, तो आपने 3 में से 4 कैंडीज़ खा ली, कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। 3 में से आप 2 खा सकते हो, 3 खा सकते हो, 1 खा सकते हो, 0 हो सकता है, लेकिन आप 3 में से 4 तो नहीं दे सकते। या सपोज़ आपके पास 5 कैंडीज़ हैं और आपके 6 फ्रेंड्स हैं, क्या आप शेयर कर पाओगे, आपको कट करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिग नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ये नंबर क्या है, 5, ठीक है। अभी हम जैसे स्टोरी बिल्ड कर रहे थे कि सपोज़ बनी है, अच्छा बनी को ना 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बनी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, तो क्या आप बनी की हेल्प करोगे सब्ट्रैक्ट करने में। तो ये सारे वर्ड्स, इस तरह के फ्रेजेज जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत मज़े से वो अपना कॉन्सेप्ट कर भी लेते हैं। हाँ, तो वो इस तरह के बनी ले लो, फ्रॉग ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, उनका फेवरेट टॉय जो भी एनिमल जो भी उनका फेवरेट है आप वो यूज़ करो। मैं यहाँ पे बनी यूज़ कर रही हूँ, तो बनी को जंप करना है। आप बताओगे 5 - 3 बनी को नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिग नंबर को सर्कल करेंगे। ये हमने सर्कल कर दिया, अभी यहाँ पे क्या साइन है, माइनस साइन है, माइनस साइन मीन्स कम हो जाएगा। तो कम कैसे होगा, जब हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, सब्ट्रैक्शन में हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो बनी को कितनी स्टेप्स जंप करना है, 3 स्टेप्स, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 स्टेप, तो बनी 3 स्टेप जंप करेगा बैकवर्ड, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से कहाँ पे पहुँच गया बनी, कौन से नंबर पे, नंबर 2 पे। तो आंसर क्या हो गया, 5 - 3 = 2, ठीक है। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 9 - 3, अच्छा अब क्या आएगा, हमें कौन से नंबर को पहले सर्कल करना है, बनी कौन से नंबर पे जाएगा, 9, बनी को 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेगा वो नंबर लाइन पे, कितने स्टेप जंप करने पड़ेंगे बनी को, 3 स्टेप। चलो अच्छा, ये माइनस साइन है तो हमें फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, हाँ हमें बैकवर्ड जाना है, तो चलो फिर से बैक आएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो हम कौन से नंबर पे पहुंच गए, नंबर 6 पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, जहाँ पे आप पहुंच जाओगे, नंबर 6। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाएंगे। आई होप आपको मेरा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल द मदर टीचर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग टू यू।